हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नवोदय विद्यालय वैकेंसीज का आप सभी लोग वेट कर रहे हो। एक मॉडल कैलेंडर इन्होंने रिलीज़ किया था कि 15 जुलाई पे हर साल हम यहाँ पर वैकेंसीज को रिलीज़ करेंगे और हम सभी लोग यहाँ पर 15 जुलाई का वेट कर रहे हैं कि कब आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा। इसी बीच में एक वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ करी है जो कि पुणे रीजन के लिए रहने वाली है और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। आप सभी को पता है KVS हो NVS हो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी वैकेंसीज लाता है, तो ऐसी ही एक वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है जो कि रीजन आपका पुणे रहेगा। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यहां पर आप चेक भी कर सकते हो, ये नोटिफिकेशन पूरा मैं आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। अगर आप सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हो और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे रहने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू जो आपका होगा, यानी कि जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट करा जाएगा, वो 15 जुलाई को, यानी कि आज से ठीक 4 दिन के बाद ये इंटरव्यू आपका रहने वाला है। अब इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये आपके लिए एक लिंक दिया है जिसको आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली एक फॉर्म के ऊपर चले जाते हो। उस फॉर्म को आपने फिल करके सबमिट कर देना है और उसकी एक कॉपी जो है आपकी जीमेल की जो आईडी जिससे आपने लॉगिन कर रखा उसके ऊपर आ जाएगी कि आपने इस फॉर्म के लिए यहाँ पर अप्लाई करा, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है। तो ये आपका क्लिकेबल है, ये भी आप क्लिकेबल है, ये भी ये जो लिंक है ये आपकी वेबसाइट की तरफ लेकर के आपको चला जाता है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या रीज़न है, कहाँ पर लोकेशन है, क्या कुछ है, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। और अगर आपको ये इंटरव्यू अटेंड करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इस फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट वो आपका कल ही है, थोड़ा सा मैं लेट हूँ। 9 जुलाई से आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 12 जुलाई आपका 4 PM यानी कि कल शाम को 4 PM आपका लास्ट रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कर सकते हैं। और किस पोस्ट के लिए है 15 जुलाई को, तो PGT केमिस्ट्री के लिए, PGT फिजिक्स के लिए, PGT बायोलॉजी और TGT कंप्यूटर साइंस के लिए आपको वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र और गोवा के लिए आपको कहाँ पर है, और गुजरात और DDDNNH मतलब दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सब आप चीज़ अच्छे से ध्यान में पढ़ लेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज रहने वाली है, कॉल लेटर आपको इशू नहीं करे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। PGTs के लिए यहाँ पर बताया गया है कि डिज़ायरेबल क्या रहेगा। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर आपके लिए बताया गया है कि क्या रहेगा। CTET आपका पास यहाँ पर होना चाहिए है, BEd डिग्री आपकी यहाँ पर होनी चाहिए है। परसुइंग का कोई भी सवाल नहीं है, प्लीज़ ये ना पूछे कि मैं लास्ट ईयर में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। यहाँ पर कम्प्लीट फॉर्मेट में चीज़ें आपसे मांगी गई है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैं आपको PDF भेज देती हूँ टेलीग्राम पर, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस साइट पर अगर जाना चाहते हो तो आपको जो लिंक दिया गया है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।